हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू सीरीज। क्योंकि भाई यार आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। एंड भाई लिटरली यार मैंने इस गेम के लिए काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करा है अपना, क्योंकि भाई यार ये गेम जो थी यार इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। एंड भाई मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया और ढूंढने के बाद यार मेरे को पता चला कि ये गेम इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। भाई मेरे को बाद में पता चली थी, लेकिन भाई मैंने जैसे तैसे करके यार इसे डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन के अंदर। एंड अभी यार मैं आपके सामने खेल रहा हूँ यार इस गेम को। सो यहाँ पे अभी देख सकते हो अपना कैरेक्टर कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है वैसे। सो यहाँ पे अभी हम फटाफट से गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड भाई यार मैं बता दूँ, ये गेम एक ओपन वर्ल्ड ऑनलाइन गेम है जिसमें हमें गैंगस्टर वाली फीलिंग आती है। एंड भाई गैंगस्टर भी बनना होता है। सो चलिए, ऑल राइट गाइस, वेलकम टू ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। एंड भाई यार अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। एंड अभी सबसे पहले तो हमें यार एक गैंगस्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा, जो कि यार अभी हम इस बंदे से कमाने वाले हैं। सो इसने हमें एक टास्क दिया है कि भाई कुछ बंदों ने ना यार इससे पैसे उधार लिए थे और भाई वो वापस दे ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे अभी यार हमें उसका काम करना है, भाई वो पैसे हमें इसे लाकर देने हैं। सो यहाँ पे अभी चलते हैं भाई फटाफट से बाहर। उससे पहले यहाँ पे एक गन है, उठा लेते भाई, किसी तो काम आ जाएगी ये। भाई मैं उठा नहीं पा रहा, चलो कोई बात नहीं। ओके तो यार अभी मेरे पास है पहले से दो गन्स, एक तो UMP है बट यार इसकी एमो नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक पिस्टल है भाई, हम पे पिस्टल से काम हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ओके तो यहाँ पे अभी जो भी है अभी ठीक है। सो यहाँ पे अभी मेरे को सामने एक छोटी सी कार भी दिख रही है, तो अभी मैं फटाफट से इस कार को उठाता हूँ। एंड भाई अभी चलते हैं भाई आगे और देखते हैं भाई कोई दंगा वंगा ना हो, बस आराम से हम चले जाएँ और भाई आराम से पैसे मिल जाए हमें। ओके एक सेकंड रुको एक सेकंड भाई, मेरे को एक गन दिखे भाई यहाँ पे। ओके तो यार ये M4A1 जैसे लग रही है। ओके तो यहाँ पे भाई यार अभी मेरे को M4A1 मिल चुकी है भाई, मतलब ये तो बहुत ही तगड़ी गन है। तो यहाँ पे अभी मैं इससे तो आराम से भाई बंदों का खेल ख़त्म करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अभी चलते हैं फटाफट से, लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे बर्गर की स्टॉल भी है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ओके सो यहाँ से यार हम अपना हेल्थ और स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, बट यार अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं अपनी कार के अंदर। एंड भाई चलते हैं फटाफट से उस वाली लोकेशन पर जहाँ पे हमें उस बंदे ने कहा था जाने को। इस गेम के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कार खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना और भाई कार मॉडिफाई करवाना और भी फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ है। एंड गाइस यार बातों बातों में अभी मैं उसके आसपास तो पहुँच चुका हूँ। एंड अभी मेरे को यहाँ से राइट लेना है। ओके भाई निकल जा भाई, छोटी सी गाड़ी सही है भाई, मैं छोटी सी कार लेके आया था। ओके सो यहाँ पर अभी मेरे को एक सूटकेस दिखा है जिसमें भाई साहब पैसे हैं आई थिंक, लेकिन भाई यार इधर कोई भी पंगा वंगा नहीं हुआ। भाई मेरे को लगा कि कोई पंगा वंगा होगा भाई, ये काम तो यार वो बंदा भी कर सकता था काफ़ी इजीली। सो यहाँ पे अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर और भाई देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे कुछ दंगा वंगा होगा या नहीं होगा। वैसे तो दंगा नहीं होना चाहिए। और भाई यार इधर देखो यार, यहाँ पे एक फ़ोन भी है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन भी है। एक सेकंड भाई, ये ड्रोन का क्या ऑप्शन है? वेट गाइस, यहाँ पे भाई मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ क्या? ओके तो यहाँ पे अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ भाई साहब, लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। एंड भाई वो देखो हमारी कार जा रही है। ओके यहाँ पे आसपास की बिल्डिंग देखो यार, कितनी ज़्यादा जाइंट बिल्डिंग है, मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग है। एंड भाई यार यहाँ का लुक क्या ही ओपी आ रहा है। सो यहाँ पे अभी मैं भाई साहब राइट ले लेता हूँ, नहीं तो भाई ठुक जाता अभी मेरा ड्रोन। सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं आगे। एंड भाई अभी मैंने एक कार को रोक रखा है भाई उसके सामने लाके। ओके तो अभी मैंने अपनी कार साइड कर लिया। ओके यहाँ पे हम मतलब ड्रोन भी उड़ा सकते हैं और साथ ही में अपनी कार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई कार को कंट्रोल करने के साथ साथ ड्रोन को कंट्रोल करना। सो यहाँ पे भाई यार लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा भी होता है भाई इस गेम में, बट यार अभी बहुत सही फीचर है यार ये तो। सो यहाँ पे अभी हम फटाफट से यार अपने ड्रोन को वापस रख लेते हैं, नहीं तो भाई हम अपना वो वाला मिशन नहीं कर पाएंगे। सो अभी मैंने रख लिया वापस से ड्रोन। एंड अभी मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, नाइस भाई बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे भी मैं टर्न ले लेता हूँ भाई वापस से। एंड अभी मैं चलता हूँ भाई उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे मुझे जाना है। एंड भाई मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ भाई उस लोकेशन के। ओह शिट, यहाँ पे तो भाई तीन बंदे हैं भाई। एक सेकंड रुको रुको भाई यार, मैं इनके एकदम सामने ही ले आया। यहाँ पे अभी मैंने तीनों को मार दिया है गाइस। भाई कितना ईजी था यार इनको मारना, क्योंकि भाई मेरे पास थी M4A1 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अभी मैं यार फटाफट से ये कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड भाई अभी मेरे को एक और कलेक्ट करना है, यानी कि मेरे को टोटल 3 कलेक्ट करने थे जिसमें से मैंने अभी 2 कलेक्ट कर लिए हैं। एंड भाई अभी बस एक ही बच रहा है, जो कि आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है। ओके
सो यहाँ पे अभी ये ज्यादा दूर नहीं है एंड भाई अभी ओके मेरे को अभी दिख चुका है सामने एंड अभी यहाँ पे भी कोई भी बंदा नहीं है। सो अभी मैं फटाफट से यार इसको उठा के निकलता हूँ सीधा उस बंदे के पास। ओके तो काफी ज्यादा इजी था भाई। एक सेकंड भाई ये क्या मेरे पीछे 2 स्टार की पुलिस लग चुकी है भैंस की टांग भाई। यार ये गलत ही सीन हो गया भाई, मतलब मेरे को अब समझ में आया भाई वो बंदा क्यों नहीं कर रहा था भाई ये काम अकेला। एक सेकंड भाई यार यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार भाई, मतलब क्या ही लेवल, अलग ही लेवल की पुलिस है भाई। मतलब मेरे को पकड़ने के चक्कर में भाई दूसरे बंदों को उड़ा रहे हैं भाई ये पुलिस वाले, पता नहीं क्या मतलब क्या पुलिस बनेंगे यार ये। सो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से अपनी कार को टर्न लेके भगाता हूँ यार। अभी भाई मेरे पीछे बहुत ही गंदी तरीके से पड़ चुकी है भाई ये पुलिस, अभी मेरे को फटाफट से अपनी गाड़ी भगानी होगी। एंड भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेरा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। ऑलराइट गाइस यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद अभी मैंने अपनी कार चेंज कर ली है एंड भाई अभी मेरे पीछे से पुलिस भी हट चुकी है। सो यहाँ पे अभी हम फटाफट से आ गए हैं, मतलब पहुँच ही गए हैं वैसे तो हम, यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं एंड अभी फटाफट से अपनी कार से उतरते हैं एंड उसके बाद चलते हैं भाई उससे बात करते हैं एक बार और भाई उसके पैसे भी वापस दे देते हैं जो भी उसका सीन था एंड बदले में यार वो भी हमें पैसे देने वाला है। सो देखते हैं भाई कितने पैसे देता है वो हमें। सो ऑलराइट गाइस यार अभी मैंने इससे बात कर लिया एंड भाई इसने हमें इस काम के लिए टोटल $15,000 दे दिए हैं। एंड भाई आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको ये वाली वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।